नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि चिमनी कैसे लगाई जाती है। जो किचन में चिमनी होती है, इंस्टॉलेशन के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। यह है सनशाइन की चिमनी, आप देख रहे हैं न्यू बॉक्स। यह है हैंगिंग क्लिप, इसमें दो पेच होते हैं और एक पत्ती होती है। अब टाइल को दीवार से नाप लेंगे। यहाँ पे नापना है मुझे टोटल 31 इंच। 31 इंच के बाद आप देख लीजिए, नीचे सेल्फ से 31 इंच। अब ऊपर करना है, जो चिमनी का डिस्टेंस है ऊपर लेके होल करना है। ये पत्ती हमने कस दिया है, 31+ है। अब इस पत्ती पर हम चिमनी को हैंग करेंगे। ये है कावल, इसमें चिमनी का पाइप लगाया जाता है। इसको हम चिमनी के बेस पर लगा देंगे। चार पेच होते हैं इसमें, ये भी कसा जाएगा। ये देखिए, ये कस गया। अब इसमें चार पेच लगा दिया है। अब चिमनी बिल्कुल ओके है। ये बैक साइड है, इसी बैक साइड के दो होल में चिमनी हैंग की जाएगी। तब जो पत्ती लगाई थी उसी पे लगाया जाएगा। ये देखिए, हमने प्रॉपर लगा दिया है, हैंग भी कर दिया है। अब इसके अंदर ऑयल कलेक्टर है, ये देखो डब्बे में होता है। ये निकाला, देख सकते हैं ऑयल कलेक्टर। ये ऑयल कलेक्टर भी लगा दिया। और अब हम इसको चालू करके दिखाएंगे। ये देखो, ये लाइट ऑन किया और ये हमने चालू करके दिखा दिया। एक नंबर पर चल रही है चिमनी और लाइट भी अच्छे से जल रही है। अभी दूसरा स्पीड ऐसे करेंगे तो दो बार स्पीड करनी पड़ेगी, एक बार और करनी पड़ेगी तो तीन नंबर पर चलेगी। अभी तो अब ये देखिए, तीन नंबर पर चिमनी हमारी चालू हुए और दोनों लाइटें हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर पावर पॉइंट भी लगा है। अब लेफ्ट साइड से करेंगे तो चिमनी बबलिंग करेगी, दो बार करेंगे तो ये ऑफ में ऑफ बंद हो जाएगी। ये देखिए, एक बार करने से बबलिंग करती है और दो बार लेफ्ट से हाथ चलाने से ऑफ हो जाती है, और लेफ्ट का हाथ चलाने से चालू हो जाती है। ये देखिए, हमने लेफ्ट से राइट किया, चालू हो गई, और राइट से लेफ्ट करोगे दो बार तो बंद हो जाएगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल